कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। हार गए तो क्या हुआ, झोला उठा के चल नहीं देंगे, यही डटे रहेंगे, एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारत की जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। प्रणति शिंदे स्लैम्स कंगना रनौत। In a passionate speech, Congress MP Pranati Shinde advocates for a caste census, raising critical questions about the government's position on the matter. हम भारत के लोग, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इन चार शब्दों में भारत की ताकत और महानता छुपी है। न कोई जात, न धर्म, न भाषा, न पहराव, सिर्फ हम भारत के लोग। इसी में ही हमारी पहचान है और इसी में हमारी गरिमा बसी हुई है। पर पिछले कुछ सालों में इस पहचान को, इसी ताकत को धर्म की राजनीति से कमज़ोर बनाया गया है। आज 2024 के बजट पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं और पूरा विश्व ये मानता है कि कुछ शतकों पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उस समय GDP और इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, पर भारत इकोनॉमिकली और कल्चरली विश्व की एक महाशक्ति थी। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी। बावजूद इसके मुट्ठी भर हमलावरों ने हमें कई बार लूटा, और न सिर्फ लूटा, हमें सैकड़ों साल गुलाम बनाए रखा। ऐसे क्यों हुआ? पहले मुगल, फिर अंग्रेज ने भारत पर राज किया। ये वो कर पाए क्योंकि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी सिर्फ एक बात की थी, और वो थी सामाजिक एकता की। धन, दौलत, ताकत कुछ मुट्ठी भर राजाओं और समाज के ठेकेदारों के पास थी। 90% समाज प्रताड़ित था, और मैं ये कहूँगी कि जानबूझकर इन्हीं समाज के ठेकेदारों के द्वारा देश गरीब रखा गया था। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही दुनिया की पहले नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि इसके प्रगति की मजबूत नींव स्वतंत्रता के बाद के सरकार ने रखी थी। पर इसी के साथ आज हम सामाजिक तौर पर जात पात धर्म की शाखाओं में बिखरते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, फाइनेंशियल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है। पैसा और सत्ता कुछ क्षण ठेकेदारों के पास संचित हो रहा है, या मैं ये कहूंगी कि सत्ता की लालसा में ऐसा करवाया जानबूझ के जा रहा है। मेरी ये सब बातें कहने का तात्पर्य यही है कि समाज की प्रगति सिर्फ मजबूत इकोनॉमी से ही नहीं, समाज की एकता में है, और हमें इतिहास में हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। BJP पिछले एक दशक से सत्ता में है, पर इनके मुताबिक आज भी हिंदू खतरे में है। क्या ये हकीकत है, या फिर BJP हिंदुओं को इस डर में रखकर अपनी राजनीति चमका रही है? आप बताएं, जो संस्कृति हजारों साल गुलामी के जंजीर में जकड़ी पड़ी है, रहने के बावजूद जिंदा है, जिंदा ही नहीं सारे विश्व में अपना डंका बजा रही है, वो खतरे में कैसे आ सकती है? पर फिर सोचने पर मुझे महसूस होता है कि BJP और उनकी नीतियाँ की वजह से हिंदू खतरे में है। एक नदी के बहाव की तरह बहती चली आ रही हमारी हिंदू संस्कृति है, सामने आने वाले हर कट्टरता के पहाड़ों को काटते हुए, हर पत्थर के सेंध लगाते हुए वो बह रही है। उसके बहाव को ना कोई तलवार काट सकती है, ना ही कोई पहाड़ रोक सकता है। पर आज दुर्भाग्यवश उसी नदी के बहाव रोककर कट्टरता में ढालने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझती हूँ कि यही भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए गए संविधान के बदौलत पिछड़े और दलित वर्ग को आरक्षण के जरिए समाज में स्थान और सम्मान मिला, पर आज वह आरक्षण भी इनके नज़रों में खटक रहा है। इसीलिए सभी सरकारी और निम्न सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करके इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र BJP कर रही है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ, और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन इस सच्चाई को नहीं
झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। शिंदे ऑल्सो टुक अ क्रिटिकल स्टैंड अगेंस्ट बीजेपी एमपी एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, इग्नाइटिंग अ हीटेड डिबेट इन द पॉलिटिकल एरिना। हर रिमार्क्स स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी, हाइलाइटिंग डिफरिंग व्यूज विद इन द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप। This is all from now. Stay tuned to Jagran English. For more information, you can watch our full-fledged video on the video section.